बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट मास्टर। आज हम इंटेलिजेंस ब्यूरो GDOM टेक एंड DEO टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए वीडियो पार्ट 3 बनाएंगे। इससे पहले इस टेस्ट के लिए 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं चैनल पर, जिनमें डिटेल्ड सिलेबस और इंग्लिश की प्रिपरेशन से रिलेटेड तमाम पॉइंट डिस्कस किए हैं, और इसके अलावा कुछ प्रीवियस टेस्ट के क्वेश्चन इंक्लूड हैं उसमें, उन वीडियोज में। अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, वीडियो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं। ऑलमोस्ट तमाम इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को पता होगा इन पोस्ट के बारे में, और अगर नहीं भी पता और अभी तक आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया टेस्ट के लिए, तो टेस्ट रजिस्ट्रेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो लिंक ओपन करके अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 5 जुलाई 2019। आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो आपने मेरी इनकरेजमेंट के लिए वीडियो को जरूर लाइक करना है और शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी शेयरिंग से बहुत से स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी। और तमाम न्यू व्यूअर्स टेस्ट मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि तमाम न्यू आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो टेस्ट बाय NTEST IB टेस्ट प्रिपरेशन फॉर GDOM, DEO एंड टेक, ओरिजिनल पास्ट पेपर्स MCQs पार्ट 3। आज की वीडियो में एवरीडे साइंस और कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास्ट पेपर्स में पूछे गए थे वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन एको प्रोडक्शन, एको कैसे प्रोड्यूस होती है? तो इसका आंसर है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स के जरिए एको प्रोड्यूस होती है, और एको कहते हैं गूंज को। इट्स अ साउंड और अ सीरीज ऑफ साउंड कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम अ सरफेस बैक टू द लिसनर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या है? इसका आंसर है 1.008। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है 1.008, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं। हीलियम का एटॉमिक वेट है 4.003, और एटॉमिक नंबर है 2, और कार्बन का एटॉमिक वेट है 12.011, और एटॉमिक नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 3 है, लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट डैश ईच अदर, इसका आंसर है रिपेल। लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, 2 पोल्स होते हैं मैग्नेट के, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। साउथ पोल एंड साउथ पोल लाइक पोल्स, और साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल ऑपोजिट पोल्स। जब दो मैग्नेट्स के लाइक पोल्स करीब आते हैं तो वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, बट जब ऑपोजिट पोल्स करीब आते हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। क्वेश्चन नंबर 4 है, A pond of clear water appears less deep than it really is. This is due to the phenomenon of, its answer is refraction of light. एक तालाब है, उसमें बिल्कुल साफ पानी है, बट देखने वालों को वो ज्यादा गहरा या डीप दिखाई नहीं देता, और असल में वो काफी डीप होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। When a ray of light travels from air to water medium and it changes its path or direction or bend itself from the actual or normal path, तो इसको refraction of light कहते हैं। There is a person in a picture given aside of this question. इस picture में इस person को जहां fish दिखाई दे रही है वो उसकी actual position नहीं है। Rather, fish is present somewhat lower than the appearing position. तो इसको रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसके अलावा रिफ्लेक्शन और डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट का भी आपको पता होना चाहिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? When a ray of light bounces back after hitting a surface, it's called as reflection of light. Or you can say that when ray of light strikes the boundary of two mediums, such as air and glass, a part of light is turned back into the same medium. It's called as reflection. जब ray of light हवा से गुजर कर ग्लास या मिरर को टकराएगी और टकराने के बाद वापस इसी मीडियम यानी के हवा में मुड़ जाएगी, तो इसे reflection of light कहते हैं।
जैसे कि इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट को देखें, रेड लाइन जो है वो सरफेस को टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस मुड़ गई है, इसको रिफ्लेक्टेड लाइट कहेंगे। और येलो में है रिफ्रैक्टेड, वो मीडियम में एंटर हुई और उसने अपना पाथ चेंज कर लिया। और थर्ड वन है डिफ्रेक्टेड लाइट, सबसे लास्ट में ग्रीन कलर में, जब वो सरफेस से टकराई तो बेंड हो गई, ठीक है, फैल जाती है। डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हेन द लाइट पासेस थ्रू एन ओपनिंग इट स्प्रेड आउट। ये जो क्लाउड्स वाली पिक्चर है इसमें आपको डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट सही से समझ आ जाएगी। सूरज की रोशनी जब क्लाउड्स में मौजूद ओपनिंग में से गुजरती है तो वो फैल जाती है, तो इस चीज को हम डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन हीट रिसीव्ड बाय अर्थ इन द फॉर्म ऑफ, सूरज की जो एनर्जी है वो जमीन किस फॉर्म में रिसीव करती है? तो इसका आंसर है रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन इज द इमिशन और ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच गैस इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स? इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं लाइक सेवन अप, पेप्सी, स्प्राइट, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, इसका आंसर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इट्स आंसर इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। क्वेश्चन नंबर एट है, विच कलर डू नॉट इंक्लूड इन रेनबो? तो इस क्वेश्चन के लिए या फिर रेनबो से रिलेटेड दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको रेनबो के कलर्स उसी ऑर्डर में याद होने चाहिए। 7 कलर्स होते हैं इसमें, और इसके लिए आपको जस्ट एक सेंटेंस याद करना है, और रेनबो कलर्स आपको कभी नहीं भूलेंगे इसको याद करने के बाद। वो सेंटेंस है, रिचर्ड ऑफ यॉर्क गेव बैटल इन वेन, रिचर्ड फॉर रेड कलर, ऑफ फॉर ऑरेंज, यॉर्क फॉर येलो, गेव फॉर ग्रीन, बैटल फॉर ब्लू, इन फॉर इंडिगो एंड वेन फॉर वायलेट। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, इट्स आंसर इज टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर गैस प्रेशर? गैस प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? इट्स आंसर इज मैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द नॉर्मल एडल्ट पल्स रेट? इट्स आंसर इज 72 to 80। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, इट्स आंसर इज एटमॉस्फेयर। मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? इट्स आंसर इज एम्पेयर। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पेयर। डिफरेंट क्वांटिटीज के यूनिट्स पर बहुत से क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स में, तो इस पिक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। लेंथ का यूनिट है मीटर, एरिया का है स्क्वायर मीटर, वॉल्यूम का है क्यूबिक मीटर, टाइम का है सेकेंड, और टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है इसमें, टेम्परेचर का है केल्विन, प्रेशर का है पास्कल, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है कूलम, इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पियर, और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का है ओहम, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का है फेरेट, एंड वेवलेंथ का है मीटर। ये सब आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑक्सीजन हेल्प्स इन, इट हेल्प्स इन बर्निंग। साथ पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि जो कैंडल ओपन एयर में पड़ी है वो जल रही है, बट जो उसके साथ कैंडल है उसके ऊपर एक गैस जार रखा हुआ है, तो उसमें एयर नहीं जा सकती, इस वजह से वो कैंडल जो जार के अंदर है वो बुझ जाएगी, फ्लेम नहीं देगी, क्योंकि ऑक्सीजन एयर में होती है जो बर्निंग में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, इट्स आंसर इज 746 वॉट। नेक्स्ट है कंप्यूटर या फिर बेसिक आईटी एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 है, द ऑप्शन ऑफ मेल मर्ज इज इन विच सॉफ्टवेयर ऑफ एमएस ऑफिस? एमएस ऑफिस के किस सॉफ्टवेयर में मेल मर्ज का ऑप्शन मौजूद है? इसका आंसर है एमएस वर्ड।
एमएस ऑफिस में बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल एक्सेट्रा। तो मेल मर्ज का ऑप्शन एमएस वर्ड में होता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। मेल मर्ज का ऑप्शन एमएस वर्ड के मेलिंग में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर टू है, डैश इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इट्स आंसर इज इंटरनेट। इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता है। इंटरनेट बहुत से नेटवर्क्स का एक नेटवर्क है, इसलिए इसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट इज लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू अ पर्सनल कंप्यूटर। इट्स आंसर इज बूटिंग। बूटिंग इज स्टार्टिंग अप अ कंप्यूटर और कंप्यूटर अप्लायंस अंटिल इट कैन बी यूज्ड। क्वेश्चन नंबर फोर है, इन एमएस एक्सेल विच सिंबल इज यूज फॉर ऑटो सम। ये साइन है ऑटो सम का, इसको सिग्मा कहा जाता है। तो साथ दी गई पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं ऑटो सम का साइन जो है वो हाईलाइट किया गया है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड एज। इट्स आंसर इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या है? इट्स अ प्रोसेस इन विच वी अरेंज कलेक्शन ऑफ आइटम्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एज सॉर्टिंग। अब ये जो पिक्चर है इसमें एक इंटीजर की अरे दी गई है जिसमें 11, 27, 10, 15 एंड 31 इंटीजर्स हैं जो अरेंज नहीं है, रैंडम फॉर्म में है। जब इन्हें हम सॉर्ट करेंगे तो ये अरेंज होंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर, 10, 11, 15, 27 एंड 31। ये सॉर्टिंग अरे है सॉर्ट करने के बाद, तो इसे सॉर्टिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच फंक्शनल की इज यूज फॉर हेल्प। हेल्प के लिए कौन सी फंक्शनल की यूज की जाती है? इसका आंसर है F1। फंक्शनल की जो है वो हेल्प के लिए यूज होती है। और टोटल 12 फंक्शनल कीज हैं कीबोर्ड में, तो इन सब कीज के फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। F1 जो है वो हेल्प एंड सपोर्ट के लिए, F2 फॉर रीनेम, F3 फॉर फाइंड, नेक्स्ट है ऑल्ट प्लस F4 क्लोज के लिए यूज होती है, F5 फॉर रिफ्रेश, F6 जो है वो सेलेक्ट द एड्रेस बार, F7 स्पेल एंड ग्रामर चेक, F8 फॉर स्टार्ट्स विंडोज इन सेफ मोड, F11 फुल स्क्रीन मोड, और F12 जो है वो सेव एज के लिए यूज होती है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, रॉ डेटा इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इनटू। इट्स आंसर इज इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर एट है, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के लिए जो फाइल एक्सटेंशन है वो है .xlsx, और वर्ड फाइल की एक्सटेंशन है .docx, एंड पावर पॉइंट की है .pptx। क्वेश्चन नंबर नाइन है, www स्टैंड्स फॉर। इट्स आंसर इज वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन, विच वन इज नॉट अ हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स का पता होना चाहिए। सो कंप्यूटर हार्डवेयर्स आर द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच। कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है, लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU एक्सेट्रा। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स आर द प्रोग्राम्स दैट गिव इंस्ट्रक्शंस टू आवर कंप्यूटर। जो हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं प्रोग्राम्स, उन्हें सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है। जैसे कि विंडोज 7, एमएस ऑफिस में जो एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और पावर पॉइंट एक्सेट्रा हैं, वो सब सॉफ्टवेयर्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द एक्सटेंशन .exe रिप्रेजेंट्स। इट्स आंसर इज एग्जीक्यूटेबल फाइल। .exe इज अ फाइल एक्सटेंशन फॉर एन एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑप्शन जस्टिफाई इन एमएस वर्ड। जस्टिफाई की जो ऑप्शन है एमएस वर्ड में, उसका फंक्शन क्या है? इट यूज टू अलाइन द टेक्स्ट टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट इन कंप्यूटर। इसका आंसर है Ctrl+V। इसके अलावा और भी शॉर्टकट कीज हैं, और ये कीज भी इंपॉर्टेंट है टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्हें भी देख लेते हैं। F1 फॉर हेल्प, Ctrl+Escape, ओपन स्टार्ट मेन्यू, और Ctrl+C है कॉपी करने के लिए, Ctrl+X कट करने के लिए, Ctrl+V पेस्ट के लिए,
कंट्रोल प्लस जी अंडू के लिए, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड के लिए, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए और कंट्रोल प्लस आई यूज होता है इटैलिक के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट इन कंप्यूटर? इट्स आंसर इज कंट्रोल प्लस पी। साथ दी गई पिक्चर में कुछ और इन्फॉर्मेशन है इन की से रिलेटेड, तो आप लोग इसे रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एमएस पावर पॉइंट इज अ सॉफ्टवेयर फॉर? इट्स आंसर इज प्रेजेंटेशन।